नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुषी और आप देख रहे हैं ईआईएम टीवी। मेरे साथ यहाँ मौजूद है अक्षय, शाहीन, विशाखा, मुस्कान और त्रिशिता। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, चंद्रयान 3, जिसको अभी तक सबके मन में उत्सुकता है कि चंद्रयान 3 आखिर कब लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के लिए सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसकी लैंडिंग के लिए, लेकिन इसरो के मुताबिक ये लैंडिंग डिले भी हो सकती है और 27 अगस्त को भी पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है अगर कोई दिक्कत नहीं रही, जो कि कहा जा रहा है कि दिक्कत नहीं रहेगी, तो 23 अगस्त को ही लैंडिंग करेंगे। 14 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी। आखिर हम पहले बात करेंगे चंद्रयान 3 है क्या। चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा बनाया गया एक चांद के ऊपर खोजबीन करने के लिए यंत्र है, जिसके अंदर जो चंद्रयान 2 से लिंक्ड है और चंद्रयान 2 से मिलता जुलता है। चंद्रयान 2 में उसके अंदर एक ऑर्बिटर नहीं है, बस चंद्रयान 3 में इसमें ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है, पर चंद्रयान 3 में ऐसी कोशिश की गई है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो। भारत और विदेश के लिए ये उत्सुकता का माहौल अभी तक बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रयान 3 अभी जो लैंडिंग करेगा, भारत का चौथा ऐसा चौथा ऐसा राज्य है जिसके अंदर साउथ में लैंडिंग करेगा, और पहला ऐसा राज्य है जो कि दक्षिणी स्तर पर मून के लैंड करेगा। विशाखा, इस पर आपके क्या विचार हैं? आपने एकदम सही कहा, भारत एक पहला ऐसा देश बनेगा जिसमें वो साउथ पोल में लैंड करेगा, जहाँ पे वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाएंगे वो, और वहाँ पे और वो लगभग चंद्रयान 3 स्टार्ट मतलब लैंडिंग अराउंड 5:47 में शुरू करेंगे और कंटिन्यू रहेगा 6:04 तक। और बहुत सारे चंद्रयान 3 ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए हैं जो सोशल मीडिया में बहुत सारे आगे जा रहे हैं। चंद्रयान 3 ऐसा बोला जा रहा है कि 6:04 पर लैंड करेगा और 5:57 के ऊपर इसकी लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैज्ञानिक अपने हिसाब से इसकी स्पीड को मॉड्यूल करके लैंडिंग कराएंगे। इस बार भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि सॉफ्ट लैंडिंग हो। चंद्रयान 2 जो कि पहली बार हमारा दूसरा मिशन था चांद के ऊपर जाने का, वो पूरा सफल था, लेकिन आखिरी में कुछ गड़बड़ी होने के बाद सॉफ्टवेयर की वजह से वो लैंड नहीं हो पाया था। इस बार चंद्रयान 3 के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मुस्कान, इस पर आपके क्या विचार हैं? तो अनुचि, जैसा कि आपने बताया कि चंद्रयान 3 जो है वो मून पे साउथ पोल पे लैंड होने वाला है और वो लूनर सरफेस पे लैंड होएगा, और ये अगर ये लैंड ठीक से हो जाता है तो हमारी भी कंट्री जो है वो मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी में आ जाएगी, वो भी, और हमारी जो कंट्री है वो फोर्थ कंट्री होगी चाइना, यूएसए और साउथ यूनियन के बाद। और एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि 15 से 20 मिनट जो है वो बहुत क्रूशियल हैं हमारी लैंडिंग के लिए, और विक्रम जो है विक्रम लैंडर वो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, और इसमें इनकी जो स्पीड होगी वो होगी 6048 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लैंड करेंगे। जैसे कि मुस्कान ने हमें समय बताया कि किस टाइम पे लैंडिंग होगी और क्या स्पीड है, इसी के साथ साथ पूरे भारत में और खाली भारत में ही नहीं, विदेश के हर नागरिक में एक उत्साह बना हुआ है कि आखिर क्या चलेगा। पूरे भारत में और बल्कि भारत के विदेश में भी लाइव स्ट्रीम्स का इंतज़ाम किया गया है। आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं दूरदर्शन में, इसरो के चैनल पर, और खाली इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भी टिप्पणी आई है कि पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा है, पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल हेड ने कहा है कि आप ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत ऐसा पहला देश है जो कि दक्षिणी स्तर पर लूनर मिशन कर रहा है अपना।